मेडिकल कोर्स की प्रवेश परीक्षा नीट और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई को कराए जाने को लेकर रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें इन एग्जाम्स को रोकने की बात कही गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि क्या देश में सब कुछ रोक दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन को स्थगित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है, यानी अब परीक्षा का रास्ता साफ हो गया है। सितंबर में दोनों परीक्षाएं अपने तय शेड्यूल के हिसाब से होंगी। जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि कोरोना के कारण देश में सब कुछ रोका नहीं जा सकता। इस याचिका को खारिज करते समय शीर्ष अदालत ने पूछा, क्या देश में सब कुछ रोक दिया जाए? क्या एक कीमती साल को यूं ही बर्बाद होने दिया जाए? कोर्ट ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलों को रिकॉर्ड में ले लिया गया है कि जेईई और नीट की परीक्षाएं पर्याप्त सावधानी के साथ आयोजित की जाएंगी। याचिका में कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों के चलते सितंबर में प्रस्तावित जेईई मेन और नीट यूजी परीक्षाओं को टालने की मांग की गई थी। मामले की सुनवाई जस्टिस अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने की है। जेईई परीक्षा 1 सितंबर से 6 सितंबर तक आयोजित की जाएगी, वहीं नीट परीक्षा 13 सितंबर से आयोजित की जाएगी। विनय सिंह, टोटल न्यूज़, दिल्ली।